हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल किचन पार्टनर्स टीम। आज हम बनाने जा रहे हैं चटपटी चाट आलू और पनीर की, पटेटोज और चीज़ की। चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी है, कम समय में बनेगी। सबसे पहले मैंने पैन लिया है, और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊँगी और अच्छे से अच्छे और रेसिपीज़ लाऊँगी जो बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। मेनली लोग बच्चों के लिए स्पेशली हम वीडियोज़ देखते हैं, बच्चों के लिए हेल्दी फूड है ये। और साथ के साथ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन भी प्रेस कीजिए। और चलो स्टार्ट करते हैं। पैन लिया है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं, बटर डाल देंगे और फ्लेवर और भी अच्छा आ जाएगा। तो उसको हल्का गर्म करना है, मीडियम आंच पे रखना है, मीडियम फ्लेम। उसमें मैंने पोटैटोज़ लिए हैं बॉयल किए हुए, उसको चॉप कर लिया है। कटे हुए आलू लिए हैं, उसको काट लिया है। और इस तरीके से तो हल्के हाथों से हम आलू को हिलाएंगे, इस तरह से हल्के हाथों में रखना है। जो फ्लेम है हमें मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं करना, कम भी नहीं करना है। इस तरीके से हमें हल्के हल्के, देखिए पक रहे हैं, ब्राउन कलर हो जाएगा, लाइट ब्राउन कलर करना है हमें चाट का। और साइड पे हम पनीर को काट लेते हैं, चीज़ स्लाइसेस लेते हैं हम साइड पे। देखिए इस तरह से हमें हिलाना है, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत कम समय में बनने वाली डिश है ये और हेल्दी भी है आपके लिए। हल्के हाथों से ऐसे हिला लेना है ताकि जो हमारे पीसेस हैं वो टूटे ना। और यहाँ पे मैंने पनीर डाल दिया है, चीज़ डाला है, और इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। हल्के हाथों से हिलाना है हमें इस तरीके से। अगर आपके पास नॉनस्टिक तवा नहीं है, आप सिंपल तवे पे भी बना सकते हैं और हल्का कढ़ाही में भी बना सकते हैं, बट हल्के हल्के हाथों से, सॉफ्ट हैंडेड अच्छे से हम इसको हिलाएंगे। और जो मैंने इसमें मसाले यूज़ किए हैं वो होममेड मसाले हैं। जो होममेड मसाले हैं हेल्दी हैं, और वो चाट मसाला है जिसकी रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है, आप देख लीजिएगा, आप बना सकते हैं वो रेसिपी। अगर आपके पास वो चाट मसाला नहीं है, आप घर का चाट मसाला भी डाल, जो मार्केट से मिलता है ना चाट मसाला, वो भी डाल सकते हैं। वैसे आप अगर घर में बना लेंगे चाट मसाला, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है रेसिपी, तो वो और भी हेल्दी है, आप देखिएगा एक बार, वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखिए हल्का ब्राउनिश कलर हो रहा है हमारे पनीर का, आलू का, है ना। हल्के हल्के हाथों से हमने हिलाना है। इस तरीके से हिलाकर आप जो फ्लेम है उसको देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। कई भी बार ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर लीजिएगा, अगर ठंडा हो जाता है आपका पैन तो आप तेज कर लेना, और मीडियम करना है मीडियम कर लीजिएगा। इसमें ये देखिए, ये चाट मसाला है जो होममेड मसाला है, इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाला है, आप देखिएगा ये रेसिपी मेरे चैनल पे। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा है, और जो भी आप खाते हैं ये बनाकर, आप किसी भी चीज़ में ये यूज़ कर सकते हैं, दही भल्ले में यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, यूज़फुल है बहुत ज़्यादा आपके लिए ये चाट मसाला। तो आप इसको ज़रूर बना के आप घर खाइएगा। और इस तरीके से हमने हल्के हाथों से सारी वेजिटेबल्स में, आप चाहें तो इसमें मटर भी डाल सकते हैं ग्रीन वाले, इसमें हमने मिक्स कर लेना है ताकि सारे पीसेस पे अच्छे से लग जाए हमारा चाट मसाला। यहाँ पर मैंने मिक्स कर लिया है सबको अच्छे से,
साथ के साथ हम एक चटनी डालने वाले हैं इसमें, ग्रीन चटनी, जिसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। ये भी चटनी, ये देखिए ये वाली चटनी डाली है मैंने। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इसकी जगह पे आप नींबू डाल सकते हैं और मार्केट की बनी हुई सॉसेस भी डाल सकते हैं आप चाहें तो, बट अगर आप घर की बनाई हुई डालेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं आप, सॉस को ये काफ़ी काम आती है, इससे भूख लगती है अगर आप ये चटनी घर में बना के खाएंगे। पुदीने की चटनी है, इस तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। बाकी टेस्ट अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। चटनी के साथ साथ आप इसको नींबू भी सर्व कर सकते हैं, नींबू में डालकर, ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप नींबू इसमें डाल लीजिएगा, स्पाइसी पसंद है तो मिर्च ही डाल लीजिएगा, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। ये हमारी चटपटी चाट चीज़ पटेटो की तैयार हो चुकी है। अगर आपको ये पसंद आई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ऐसी छोटी छोटी रेसिपीज़ और हेल्दी रेसिपीज़ जल्दी बनने वाली और भी बताऊंगी आपको। ये अभी हम सर्व करते हैं, इस तरीके से सर्व करके हम इसको खा सकते हैं। इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं हम फ्लेवर के लिए। इस चाट को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको ये चाट पसंद आई है तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।